हर हर महादेव, ओम काली। तो प्रिय भगतजनों, आज हम बात करने वाले हैं कुल देवी के बारे में। वैसे तो सभी लोगों ने यह नाम कभी ना कभी अपने जीवन में सुन रखा होगा, कुल देवी का। लेकिन अक्सर ऐसी स्थितियां होती हैं कि आज बहुत सारे लोग अपनी कुल देवी को भूल चुके हैं। कुल देवी की याद मनुष्य को दो स्थानों पर आती है। प्रथम तो या तो उसके घर में कोई नकारात्मक शक्ति घुस गई है, कोई भूत प्रेत, कोई जिंद, कोई बेताल, कोई मसान, तब उसको कुल देवी की याद आती है। या वह जब सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लेता है और अंत में वह धर्म की तरफ चलता है, तब उसे कुल देवी की याद आती है। क्योंकि अच्छी कृपा हो या फिर बुरी कोई आपके ऊपर, तो बगैर कुल देवी देवता के आपको न कोई अच्छी सकारात्मक चीज़ मिल सकती है, न ही कोई नकारात्मक चीज़ आपको मिल सकती है। दोनों में इसका अहम रोल रहता है, क्योंकि यह आपके घर के, आपके परिवार के, आपके शरीर के एक गार्ड के रूप में होते हैं, एक रक्षक के रूप में होते हैं। तो आप दो कारणों से इन्हें याद कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि यदि आप अपनी कुल देवी को नहीं जानते तो उसे आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुल देवी कौन है। हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे कि जिससे आप जान सकोगे कि कुल देवी देवता कौन है। तो सबसे पहले आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, दादा दादी से पूछ सकते हैं। यदि उनमें से कोई जीवित न हो तो आप अपनी बुआ से, अपनी फूफी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वह शादी से पहले उसी घर में रहती थी जहाँ पे कुल देवी की पूजा नवरात्रों के समय उनका भोग निकाला जाता था। यदि आपको कुल देवी का नाम न बताएं, लेकिन वो इतना ज़रूर बता देंगी कि उस भोग में हलवा बनता था, खीर बनती थी, या क्या किस प्रकार की पद्धति आपके घर में इस्तेमाल होती थी। तो अगर वहाँ से आपको पता न चले तो फिर आप अपने गाँव जहाँ पर आपके पिता, आपके दादा रहते थे, पूर्वज रहते थे, वहाँ आपको संपर्क करना चाहिए कि वहाँ से आपको पता चल जाए। अगर आप यह संपर्क साधने में भी परेशान हैं, पता कर नहीं पा रहे हैं, गांव जा नहीं पा रहे हैं, या कोई संपर्क सूत्र ही नहीं है, तो फिर उसके बाद आप कहाँ से पता कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भगत से पता कर सकते हैं, किसी गुरु से पता कर सकते हैं, किसी सिद्ध से, किसी योगी से आप पूछ सकते हैं कि आपकी कुल देवी कौन है, क्योंकि वह अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से शक्तियों का पता कर सकते हैं कि आपकी कुल देवी कौन है। इसके अलावा आपके जो पितर होते हैं वो भी आपको कुल देवी के बारे में कोई सूचना दे सकते हैं, क्योंकि आपके पितरों ने भी कभी न कभी अपने जीवन में उस कुल देवी की पूजा की होगी, क्योंकि वह भी उसी परिवार में जन्मे थे जहाँ पे आप जन्मे हैं, और आपकी कुल देवी वही है जो उनकी थी। तो पितरों को के द्वारा भी आप पता कर सकते हैं। आपको पितरों का 7 दिन का अभ्यास करना होता है। रोज़ आपको एक जल के लोटे में 4-5 जो दाने हैं, चीनी के दाने डाल लेने हैं, उसको अपनी जो बेड है, खाट है, जहाँ आप सोते हैं, उसके नीचे रख देना है। और सोने से पहले आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितरदेव, हे मेरे पूर्वजो, मुझे अपने कुल देवी के बारे में पता करना है। आप मुझे किसी तरह स्वप्न में या कोई मेरे मन से ही, अंतर मन से ही कोई आवाज़ निकले और मुझे पता चल जाए कि मेरी कुल देवी कौन है। तो इस तरह की आप प्रार्थना करके सोइए। आप 7 दिन के भीतर भीतर आपको कुछ ना कुछ जो क्ल्यू है, जो निशान है, वह आपको मिल जाता है, और आप कुल देवी से भी डायरेक्ट आप किसी माता से, जैसे कि दुर्गा माता है, आप उनको भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे दुर्गा माँ, आप मुझे मेरी कुल देवी के बारे में बताइए। स्वप्न के माध्यम से या अंतर मन की आवाज़ से या किसी भी प्रकार से, किसी भी अनुभव से आप मुझे बताइए कि मेरी कुल देवी कौन है। पितरों का जो आपने जल रखा होता है, सुबह उसको आपको सूर्य देव को चढ़ा देना होता है, और सूर्य देव से प्रार्थना करनी होती है कि हे सूर्य देव, आप तो
इस सृष्टि में आपकी ऊर्जा ही है, एकमात्र आपकी ऊर्जा ही है जिससे यह जगत चलता है। आप हर चीज के साक्षी हो, इस ब्रह्मांड के साक्षी हो, तो आप मेरी कुल देवी के विषय में कृपा करके मुझे कोई संकेत दीजिए, कोई सुझाव दीजिए, किसी प्रकार मुझे पता दीजिए। तो ऐसी प्रार्थना करके आपको सूर्य देव भगवान का नमस्कार करना है, सूर्य जी को प्रणाम करना है और प्रतिदिन उस जल को आपको सूर्य भगवान को चढ़ा देना है। तो इस तरह से 11 दिन के भीतर आपको कुछ न कुछ सुझाव ज़रूर मिल जाएगा और आप देवी जो दुर्गा है उनकी उनसे भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको प्रतिदिन 4 पतासे लेकर आने हैं और 4 पतासे अपनी जो है चारपाई पे अपने तकिए के नीचे रख के और माँ दुर्गा से प्रार्थना करके आपको कि मेरी कुल देवी के विषय में बताइए और सो जाना है। प्रतिदिन सुबह उन बतासों को जो है आप किसी जीव जंतु को, आप किसी प्राणी को, आप किसी गाय को, किसी कुत्ते को, किसी भी जीव जंतु को आप उसको खिला दीजिए, तो आपको इससे भी 11 दिन के भीतर भीतर अपनी कुल देवी के बारे में जानकारी मिल सकती है। या फिर आपके जो गुरु हैं आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वह आपको बताएं कि आपकी कुल देवी कौन है। और इस तरह से आप अपनी कुल देवी की जानकारी बिल्कुल ही निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर की साधना से ही आपको पता चल जाएगा। जो जो मैंने तरीके बताए हैं आप उनमें से किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके काम आए, आपको पता चले, और फिर आप अपनी कुल देवी के स्मरण से आप नकारात्मक शक्तियों से भी बच सकते हैं। और यदि आपने कोई साधना करनी है, किसी इष्ट की पूजा करनी है, तो वह भी बगैर कुल देवी के कार्य आपका संपन्न नहीं होता। कुल देवी के बगैर आपके जीवन में न कुछ अच्छा होता है, न ही कुछ बुरा होता है। इसलिए अपनी कुल देवी को हमेशा प्रसन्न रखें ताकि वह आपके दाहिने रहे, आपके पक्ष में खड़ी रहे। फिर आपको किसी भी स्थिति से डरने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।